तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके ऐसा करता हूँ। पसंद आया पसंद तो वीडियो को लाइक करना, रिलेटेड कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। और भाई लोग, आज की वीडियो में भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भले ही लाइक मत करो लेकिन प्यार से कमेंट कर देना। कुछ भी मतलब ओपी लेवल मतलब कुछ भी खेल दो, क्योंकि मेरे को लाइक से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कुछ, क्योंकि कमेंट कुछ ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले के लिए डिफिकल्टी फोटो डिस्कॉल, क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, चलते हैं। तो भाई टोक्यो रिवेंजर्स के चैप्टर धड़ाधड़ धड़ाधड़ आते जा रहे हो भाई। से नए नए फैक्ट, हम लोग को नए नई चीज़ें रिवील होते जा रही है। जैसे कि हम लोग कल तक ये नहीं पता कि भाई हमारे ताकी मिची मतलब सॉरी माइकी का बाप कौन था, लेकिन भाई साहब फाइनली हमको पता चल गया उसकी मम्मी की तक की हम लोग को फोटो दिखा देंगे। तो इससे हम लोग पता चलता कि भाई कहीं ना कहीं भाई हमारे टोक्यो रिवेंजर्स का एंड बहुत ही नज़दीक है। लेकिन फिलहाल तो भाई ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही है कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स का एंड होगा तो होगा कब। तो भाई इसी चीज़ों पर भाई इसी चीज़ पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी थी, लेकिन फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि आखिरकार मैं ये कह सकता हूँ कि उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, जो कि मेरी स्टार्टिंग के चैनल की वीडियो थी। तो भाई अब मेरे पास थोड़ी पब्लिक है तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे तो बताया कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स में भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा भाई दिमाग ख़राब करने वाली बातें हैं। तो उन्हीं बातों को भाई आज हम लोग एक फैक्ट के रूप में देखते हैं। और भाई साहब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला फैक्ट आता है भाई, देखो टोक्यो रिवेंजर्स की स्टार्टिंग में हम लोग को ये पता है कि भाई हमारे जो मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो किसाकी था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब एक एनिमी के रूप में जाना जाता है या फिर गेम प्लेयर के नाम से जाना जाता है, वो जब मरने वाला था तो लास्ट टाइम में उसने कांटो एस्टेंट के टाइम पर उसने कहा था कि तुम कुछ और ही समझ रहे हो और वो बंदा कुछ और ही है। तो मतलब समझ रहे हो, शायद ये सेकेंड टाइम लीपर की बात थी, जो कि भाई साहब पूरे तरह से मैं कह सकता हूँ शोर हूँ कि भाई ये सेकंड टाइम लीपर की बात थी। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे टोक्यो रिवेंजर्स में हमारे ताकी मिची का भाई हर बार प्लान ठप होता है, वो कहीं ना कहीं भाई हमारे किसाकी माइकी और भाई साहब फाइनली वो बंदा जो कि अनोन बंदा अभी तक की बना हुआ है, जो कि सेकंड टाइम लीपर है। क्योंकि भाई अब इसमें कोई शक नहीं रहा क्योंकि भाई सेकंड टाइम लीपर है कि नहीं है वो कन्फर्मेशन है, क्योंकि सांजू के उस मतलब उसने जो कहा था उसके बाद तो भाई मेरे को कन्फर्म लगता है कि भाई वो सेकंड टाइम लीपर है, क्योंकि यूट्यूब बोला है ना। और चलो भाई एक आगे चलते हैं, जहाँ पर एक और चीज़ जो हम लोग को दिखती है, जो कि है भाई हमारे हानमा। तो भाई फाइनली मैं कह सकता हूँ कि भाई हानमा ने जो उस ग्रेव के सामने कहा था, मतलब देख लो हानमा ने हमारे किसाकी की ग्रेव के सामने कहा था जब कांटो एस्टेंट को बीते हुए भाई बहुत टाइम हो गया था, जब फाइनली हमारे किसाकी ग्रेव बन चुकी थी और भाई हमारा हानमा वहाँ पे आता है और भाई सिगरेट फूकते हुए वो कहता है कि तुमने मुझे ये कहा था। तो भाई शायद यही कुछ कहा था और भाई सब हम लोग को दिखाया सीन उसी टाइम शिफ्ट कर दिया गया। तो भाई मेरे को तो उस टाइम ना दिमाग की घंटी बजी थी, क्योंकि स्पाइडरमैन की घंटी बजे ना बजे तुम्हारे भाई की जरूर बजती है। और भाई मेरे को यही लगा था कि भाई उस टाइम कुछ ऐसी बात हुई होगी जो कि भाई सब सेकंड टाइम लीपर से मतलब लिंक होगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो भी सब कुछ ये अभी तक की हुआ वो हमारे सेकेंड टाइम लीपर की वजह से हुआ। और भाई मैं ये कहना बहुत ही आसान होगा कि भाई वो जो बंदा है जो सेकेंड टाइम लीपर है वही ये सब कुछ कर रहा है। और भाई साहब ये इसी चीज़ के पीछे भाई हम लोग मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स का एंड भी बहुत दूर है। और भाई साहब हम लोग अगर आगे भी बढ़े तो हम लोग को पता चलता है कि भाई सांजू, तो भाई जैसे लोगों को पता कि सांजू ने बोला था कि भाई तुम इसका मतलब तुम भी सेकंड टाइम लीपर हो, जो कि ट्रेन वाले मूवमेंट था। और उस टाइम भाई हम लोग को पता चला कि भाई सेकंड टाइम लीपर है, क्योंकि जिस टाइम भाई हमारे काकू जी ने हमारी सांजू को बाहर उठा के फेंक दिया था। और भाई ये बड़ा मुद्दा तगड़ा था, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से देखो अगर उस टाइम अगर सांजू अपनी पूरी बात कर देते तो हम लोगों के लिए भाई बहुत 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 बड़ी ना मतलब अचीवमेंट हो जाती, मतलब एक तरह से हम लोगों को पता चल जाता यार, मतलब मत्थे में इतना दर्द होता था कि भाई सेकंड टाइम लीपर कौन है, शायद उस टाइम हम लोग को ये पता चलता। लेकिन भाई हमारे काकू चो ने हमारे को फेंक दे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई देखो अब टोक्यो रिवेंजर्स में भाई अगर कोई भी मतलब ऐसी चीज़ रिवील होने वाली है लेकिन उसी टाइम भाई वो बंदा मर जाता है, तो यार यही कह सकता हूँ कि भाई बहुत लोड हो जाता है, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई थोड़ी देर और जिंदा रहने देते। मतलब इंडियन मूवी वाले सीन भी भाई हमारे टोक्यो रिवेंजर्स में ऐड हो रहे हैं। और रिसेंटली जो हमारा चैप्टर आया था भाई चैप्टर 263 जो कि था बी स्ट्रॉन्ग, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा चौसलापा चैप्टर था, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ रिवील हो गई थी मतलब हमें आज तक कि हम लोग को दिखाया नहीं गया था कि भाई हमारे माइकी के मम्मी पापा का दिखते कैसे थे भाई साहब, जो कि भाई साहब हम लोग के लिए मतलब एक अचीवमेंट कह सकते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा लोड कम करने वाली चीज़ कह सकते हो, वो चीज़ हमारी कम होगी। क्योंकि जिस तरह से वो चैप्टर आया था उसमें हम लोग को दिखाया गया था कि भाई हमारे माइकी के मम्मी पापा कैसे दिखते थे, और भाई साहब हमारे माइकी के पापा की शक्ल भाई हमारे ताकि मिची से भाई बहुत मिलते थे, मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब
गिट्टो भाई हमारा ताकी मिची था भाई। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हमारा ताकी मिची के पास टाइम ट्रैवलिंग वाली पावर है, तो भाई सब हो गया होगा तो भाई, और या फिर कोई बोलेगा कि आंटी का दिल आ गया होगा ताकी मिची पर, तो भाई बचपन में ही भाई ऐसे ऐसा ख्याल लाना बड़ा गंदे ख्याल होता है, ठीक है। तो भाई कोई मत सोचना, तो भाई एक ये क्वेश्चन बन के रह जाता है। और भाई साहब फाइनली जो चैप्टर था भाई, अब इन सभी को जोड़ते हुए भाई एक ही मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा निकलता है कि भाई देखो हर फ्यूचर में किसाकी ने सबकी मारी, और भाई साहब फाइनली हमारे माइकी ने सबकी मारी। तो भाई साहब और जब भी माइकी ने सबकी ली मतलब सबकी क्लासेस ली, तो भाई उस टाइम था वो डार्क एम्पल्सेस में। तो भाई अब मेरे को ये कोई समझ नहीं आता कि भाई हमारा माइकी डार्क एम्पल्सेस में क्या कह रहा। तो भाई जब तक कि इन भाई क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलेंगे, मतलब इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो भाई मेरे को तो नहीं लगता भाई टोक्यो रिवेंजर्स का एंड होने वाला है। क्योंकि मैं भाई कह सकता हूँ फाइनली मैं ये भाई पूरा शोर के साथ कह सकता हूँ कि भाई जब तक भाई 10 या 7 चैप्टर अभी तक आएंगे नहीं, और भाई साहब इन भाई सवालों का जवाब मिलेगा नहीं, तो भाई तब तक भाई तो भाई हमारे टोक्यो रिवेंजर्स का एंड होने से रहा। तो फाइनली यही कह सकता हूँ कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स का एंड अभी बहुत बाकी है, मतलब बहुत सवालों के जवाब बाकी हैं। तो भाई यार सबसे बड़ा सवाल होगा कि भाई सेकंड टाइम लीपर है कौन। तो भाई इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता, तो भाई मैं यही कह सकता हूँ कि भाई आप लोग टोक्यो रिवेंजर्स का एंड सोचना बंद ही कर दो, क्योंकि मेरे को लग ही रहा है क्योंकि जब तक ये सवाल का जवाब भाई आएगा नहीं, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है कुछ ही टाइम में, लेकिन अभी तो मिलने से रहा, जब मिलेगा तभी भाई हमारे टोक्यो रिवेंजर्स का एंड होगा। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं एक और टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड वीडियो ख़त्म। अच्छा तो वीडियो को पसंद आया, पसंद आया वीडियो को लाइक करना, उसके रिलेटेड कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब की, अगर वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा भी सकते हो। तो बाय बाय, छोटा टाइगर, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि सबसे अलग धलग मस्त। तो बाय बाय।